हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान की ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? तो ब्रज भाषा का विकास अर्धमागधी से हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। हमारा थर्ड क्वेश्चन, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो अपभ्रंश में कुल 8 स्वर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो गाइस, मगही बिहार प्रदेश की बोली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सरहपा की रचना मानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, काव्य की रीति सीखी सुखविंसो देखी सुनी वो लोग की बातें, इस काव्योक्ति के कवि हैं भिखारी दास। भिखारी दास जी ने यही पंक्ति दी है। हरी रस पिया जानिए ये कभू ना जाए कुमार, ये पंक्ति कबीरदास जी की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, देव कवि की रचना इनमें से कौन सी है? तो भावविलास देव कवि की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अष्टशाप की स्थापना किसने की? तो अष्टशाप की स्थापना विठल नाथ ने की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो सखी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी है? तो विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती कुतुबम की रचना है। 3, श्रुति सम्मत हरिभक्ति पद संजित वृत्ति विवेक, ये काव्य उक्ति तुलसीदास जी के रामचरितमानस से ली गई। 17, अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणहीन अधीन व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, ये बात देव कवि ने शब्द शक्ति के विषय में कही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, मती राम का इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो रस विलास इनमें से उनका ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिमुक्त कवि इनमें से कौन नहीं है? तो पद्माकर रीतिमुक्त कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो चंडी चरित्र गुरु गोविंद जी की रचना है। 21, ये पंक्तियां भ्रमर गीत से संबंधित हैं और ये पंक्तियां जगन्नाथ दास रत्नाकर ने दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दी गई कृतियों में से किस कौन सी कृति का निर्माण पोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ है? नासिकेतो उपख्यान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? तो महारानी पद्मावती इनका नाटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञानम शकुंतलम का अनुवाद 1863 में किया था। 26, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रदेव की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? तो भारत की दुर्दशा इससे प्रभावित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कर्म से जुड़े थे? तो हिंदी प्रदीप से वे जुड़े थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? तो अग्निलेख कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त चीज के निबंधकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? तो स्कंद गुप्त की ये पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, ये जो पंक्तियाँ हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, धिक धाये तुम यो अनाहुत दो दिया, ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी की हैं। और 33, कविता दो शब्दों के बीच की निर्भरता में रहती हैं, काव्य भाषा के संबंध में ये कथन
अघेय जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? नहुष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? तो मुन्नी मोबाइल गाइस प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा चंद्रकिरण सोने रिक्शा की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? ये T.S. इलियट का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। ये जो पंक्तियाँ हैं रस के बारे में, ये आचार्य विश्वनाथ जी ने कही हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? शकुंतला की अंगूठी। तो थैंक यू गाइस, हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।